कैसे हैं आप? व्हाट्सअप, मैं अंशुल अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, अभी इम्पोर्टेंट एक अनाउंसमेंट आया है सीए इंस्टीट्यूट आईसीआई की तरफ से। वैसे भी जो सारे स्टूडेंट्स ने मई 2020 की एग्जामिनेशन दी थी, दोस्तों मुझे पता है आप लोगों की नींदें ऑलरेडी उड़ चुकी है, क्योंकि मई की एग्जाम पोस्टपोन होके जून में हुई, जून की पोस्टपोन होके जुलाई में, और अभी भी जब ये पूरे देश में अलग अलग जगहों से कोरोना के केसेस आ रहे हैं, बातें चल रही है रेड जोन है, ऑरेंज जोन है, ग्रीन जोन है, कंटेनमेंट एरिया है, तो हमारा ये सारे बच्चे हैं परेशान कि भाई हम करें क्या, पढ़े या ना पढ़े समझ नहीं आ रहा है। तो अब एक आई है अनाउंसमेंट, मैं फिर से डिस्क्लेमर दे रहा हूं, इस अनाउंसमेंट से कोई इंटरप्रिटेशन ड्रॉ नहीं करना है, बाकी तो समझने वाले समझ गए, ना समझे जो अनाड़िया। दोस्तों अनाउंसमेंट है बहुत सिंपल, आप सभी को पता होगा कुछ दिन पहले आईसीआई ने, हाँ जी आईसीआई ने एक नोटिस जारी किया था कि जो बच्चा चाहता है वो अपना सेंटर चेंज कर सकता है। करेक्शन विंडो ओपन किया था 7 जून से लेकर 9 जून तक का, और इंस्टीट्यूट इस करेक्शन विंडो की डेट को पोस्टपोन करने वाला था, एक्सटेंड करने वाला था, लेकिन अभी दोस्तों इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन आया है कि ये करेक्शन विंडो पोस्टपोन नहीं होगी। मतलब अब इंस्टीट्यूट आपको सेंटर चेंज करने की अथॉरिटी नहीं दे रहा है, परमिशन नहीं दे रहा है। तो अब मैं यहाँ पे दोस्तों को यही कहना चाहूंगा कि देखो यार, ये नोटिस तो सिर्फ इतना ही है, इससे क्या इंटरप्रिटेशन ड्रॉ किया जा सकता है। इंस्टीट्यूट इवन तो यहाँ पे क्लियरली कह रहा है कि एज पर द लॉकडाउन पोजिशन वी विल बी टेकिंग सम डिसीजन इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। इंस्टीट्यूट ने अपने तरफ से कहा है कि अगले कुछ दिनों में डिसीजन लेगा, लेकिन मैं यहाँ पे आप सब लोगों को यही कहना चाहूंगा, समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। चलो जोक सपाट, दोस्तों यहाँ पे इतना ही चीज कहना चाहूंगा, कुछ ज्यादा मत सोचो, जो सो रहे हैं वो उठ जाओ, उठो बैठो, मेहनत करो, पढ़ाई करो, क्योंकि इस भरोसे मत बैठो कि एग्जाम सर्टनली पोस्टपोन होगी। जैसा इंस्टीट्यूट ने कहा है नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में अनाउंसमेंट होगा, लेट्स वेट फॉर अनाउंसमेंट, देखते हैं क्या इंस्टीट्यूट करती है। अपने तरफ से मेहनत करो, लगे रहो, पढ़ते रहो, क्योंकि अगर ये अटेम्प्ट पोस्टपोन होता है तो एक चीज समझ लेना, अगले अटेम्प्ट में आपको ऐसा रिजल्ट लेके आना है, ऐसा रिजल्ट लेके आना है कि इंस्टीट्यूट को फाड़ के आना है, ऐसा रिजल्ट लेके आओ कि आप जिंदगी भर सिर्फ कोरोना को ही नहीं याद रखो, बल्कि कोरोना के वजह से जो रिजल्ट लेके आया उस रिजल्ट को भी याद रखो। चलो ठीक है, अभी बहुत बातें हो गई है, आप भी पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूं, मेहनत करते हैं। चलो जय हिंद, बाय, गुड नाइट।